तो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने यस बैंक को गूगल पे और फ़ोन पे के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। देखिए, लिंक करने का जो तरीका है वो एकदम बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पर चार पांच मिस्टेक होते हैं, जिनमें से अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं, एक भी अगर गलतियाँ करते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने कि नहीं आप लोग कौन से मिस्टेक करते हो। मैं चार पाँच ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ, चार पाँच ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे या फिर फ़ोन पे में या फिर किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म में ऐड नहीं कर पाते हैं। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट देखिए यस बैंक में है, ठीक, तो जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, यानी कि यस बैंक में अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर अगर लिंक है, तो गाइस देखिए उसी नंबर से ही आप लोग को गूगल पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आपका अगर यस बैंक है, तो यस बैंक में कोई ना कोई आपका नंबर तो लिंक होगा ही। अगर लिंक नहीं है, तो गाइस आप बिना नंबर लिंक किए आप गूगल पे फ़ोन पे नहीं चला सकते हो। ठीक, तो अगर मान लीजिए फ़ोन पे गूगल पे चलाना चाहते हो, तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है यस बैंक में, तो देखिए उसी नंबर से फ़ोन पे और गूगल पे का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, ये देखो पहला स्टेप है। आप लोग बहुत लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलतियां करते हैं कि वो उनका अकाउंट उनके अकाउंट में कोई और नंबर लिंक होता है और किसी और नंबर से फ़ोन पे गूगल पे बना करके बैंक अकाउंट ऐड करते हैं और लिंक नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये पहला मिस्टेक आप लोग को ध्यान देना होगा। अब दूसरी मिस्टेक में ये है गाइस कि अगर जब भी आप लोग बैंक अकाउंट को लिंक करने जाएँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लिंक करने से पहले आप लोग अपना जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस होगा अपने सिम में, उसे चेक कर लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा इस अगर आपका एयरटेल का सिम है, तो कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज करा लीजिएगा, और अगर जियो का भी है तो भी आप 10 रुपये का रिचार्ज करा लीजिएगा। ठीक है, आप तो कहेंगे कि भैया मेरा तो अनलिमिटेड रिचार्ज है, फिर मैं क्यों रिचार्ज कराऊं? तो देखिएगा, इसमें आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके स्मार्टफोन में प्लान है, जो आपके आपके जो सिम में प्लान है, ठीक है, जो रिचार्ज आपने अनलिमिटेड कराया है, उसमें SMS की आउटगोइंग हो। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल में जो मैक्सिमम और भी ज़्यादा ऐसे ऐसे रिचार्ज हैं जिनमें जो SMS आउटगोइंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसमें 10 रुपये का कम से कम रिचार्ज करा ले। हो सकता है आप में SMS आउटगोइंग का सर्विस ना मिला हो अनलिमिटेड कॉल में, अनलिमिटेड पैक में। ठीक है, इससे होगा ये कि जब भी आप अपने गूगल पे से बैंक अकाउंट को लिंक करने जाएंगे, तो यहाँ पर जो गूगल पे है वो आपके नंबर के जरिए आपके बैंक में एक मतलब मैसेज भेजता है, OTP भेजता है, जिसके वजह से वेरीफाई करने के लिए कि आप ही का अकाउंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उस SMS को भेजने के लिए देखिए कुछ पैसा लगता है। ठीक है, तो उस पैसे के लिए कम से कम आपके सिम में 2 रुपये का मेन बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर मैसेज एक जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, और मैसेज जाने के बाद जो है यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा गूगल पे से। तो देखिए, आप लोग का सिम में कम से कम 2 रुपये का मेन बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। अब तीसरे स्टेप में बात करते हैं कि तीसरे स्टेप में आप लोग को क्या होना चाहिए। तो देखिए, तीसरे स्टेप में ये है गाइस कि तीसरे स्टेप में जब भी आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने जाएं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो सिम है गाइस, अगर आपका जो सेटिंग है SMS सेंड सेटिंग का, वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग का होने का मतलब ये है गाइस कि जब अगर आप मैसेज सेंड करो, SMS सेंड कर रहे हो, ठीक है, बैंक में वेरीफाई करने के लिए, तो हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से आपका जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, उस नंबर से मैसेज जाए। ठीक है, तो अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके सिम में, आपके मोबाइल में, तो आप लोग एक काम करें कि आप लोग एक सिम को निकाल दें जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, और जो बैंक अकाउंट में लिंक है उस सिम को अपने स्मार्टफोन में रहने दें, और बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद आप लोग दोबारा से उस सिम को लगा दीजिएगा। ऐसे में होगा ये कि अगर डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग सेंड सेटिंग का अगर गड़बड़ हुआ है, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो ये तीसरी बात थी। और चौथा बात ये है गाइस कि आप लोग जब भी बैंक अकाउंट लिंक करने जाए, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस नंबर जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, कहीं उसी नंबर से अदर भी बैंक अकाउंट तो लिंक नहीं है। क्योंकि देखिए, होता ये है गाइस कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर एक है, तो हो सकता है आपका नंबर आपके भी अकाउंट में लिंक हो, आपके भाई के भी अकाउंट में लिंक हो, आपके माताजी के भी अकाउंट में लिंक हो, आपके पिताजी के भी अकाउंट में लिंक हो। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट लिंकिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, तो अगर देखिए मल्टीपल अकाउंट लिंकिंग का इशू है, अगर 2-4 ऐसे बैंक अकाउंट में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो गाइस ऐसे इस स्थिति में आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक नहीं होगा गूगल पे के साथ।
ठीक। और पांचवा चीज़ है गाइस कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर जब भी लिंक कराने जाएं तो कम से कम इंटरनेट कनेक्शन सही रहे, ठीक है। और अगर मान लीजिए सर्वर काम नहीं कर रहा है तो फिर आप लोग शाम में ट्राई करें, रात में ट्राई करें, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने जितना चीज़ें आप लोग को बताया है इसके बाद आप लोग का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।